तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो गाइस, पिछला एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सोशल सर्वर खेल रहा हूँ, तो अभी गाइस मैंने है ना C4 बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब गाइस देखो, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जब भी मैं मेन आईडी से कोई भी सर्वर खेलता हूँ तो भाई सामने कोई ना कोई तो दुश्मन बनके जरूर आता है, चाहे से वो मेरा सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो। तो इस सर्वर में भी वही बात हो गई कि 4-5 लोग हैं, मतलब उनकी टीम है, पूरी टीम से तो ऊपर ही है वो बंदे, और वो लोग एक तरह से दुश्मन बनके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं अभी ऑफलाइन था तो मेरे टीममेटों ने मुझे बताया मैसेज करके कि भाई आपको कोई बैटल चैट में गाली दे रहा है। तो जब मैं आके देखा तो वो बंदा अभी भी बोल रहा है। ठीक है, 2-3 बंदे मतलब मेरे लिए गलत शब्द बोल रहे हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि हम आपके सब्सक्राइबर ही है, और मतलब गाली देने का मैंने उनसे कारण पूछा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें वीडियो में दिखना है, बस इसीलिए दे रहे हैं, और हम तुम्हारा बेस भी रेड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी गाइस आप लोगों ने समझ ही ली है। ठीक है, तो मेन आईडी से गाइस मैं इसीलिए ज़्यादातर बंदों को हटा देता हूँ फ्रेंड लिस्ट से, ताकि मैं जो सर्वर खेल रहा हूँ वो किसी को पता ही ना चले। ठीक है, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा तो कोई भी दुश्मन मतलब आएगा नहीं, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं आएगा मेरे सर्वर में, और इस तरह से कोई भी बंदा मुझे तंग नहीं करेगा, मतलब परेशान नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, मैं अपने आराम से शांति से खेलना चाहता हूँ यार गाइस। ठीक है, ये एक बात है। अब यहाँ पे मेरे कुछ रूल्स भी है, अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर आके मुझे ये बोल दे कि भाई मैं तुम्हारा बेस रेड नहीं करूँगा और तुम मेरा बेस रेड मत करना, तो भाई मैं उसका बेस लास्ट तक भी छूता नहीं हूँ। बस ये बोल देता हूँ कि भाई देखो, लास्ट में अगर बेस तुम ले पाए तो तुम ले लेना, मतलब किसी को भी बुला के, और अगर मैं ले पाया तो भाई बेच मेरी होगी, बस इतना सा जरूर कर देता हूँ गाइस। अब वो फैसला तो करना ही पड़ता है, आप लोग भी जानते ही है, बट रेड के लिए अगर कोई बोल देता है तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन पता नहीं कि जो मुझे चाहने वाले हैं वो मेरे बेस के पीछे क्यों लगे हुए रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा छुप छुप के खेलता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे दुश्मन नहीं चाहिए अपने। अब ये क्या है कि जो ये एडवर्टाइज हुआ है ना, मतलब मेरा पता चल गया है कि PG सर्वर में खेल रहा है, ये भी मेरे टीममेटों की ही कलाकारी है। इन लोगों ने मतलब बैटल चैट में मैसेज कर करके सबको जता दिया कि PG हमारे साथ खेल रहा है। नहीं तो PG क्या है कि बिल्कुल चुपचाप खेलता है, चुपचाप में आता है, बैंड बजाता है और निकल भी जाता है। तो भाई ये गलती हो गई, अब लोगों को पता चल गया, अब सामने भाई टीम है और वो लोग रेड करने के लिए भी बोल रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। वैसे उस बंदे को वीडियो में आना था, उसने ये बोला था इसलिए वो रेड करेगा, तो मैंने उसको ये बात तो बोल दी कि भाई वीडियो में तेरा बिल्कुल भी शॉट नहीं दिखेगा, मैं पूरा कट कर दूंगा, हीरो हम हैं तो हमारा ही शॉट दिखेगा, सिंपल सी बात है यार गाइस। तो अभी मैं रोप वॉप बना रहा हूँ, मतलब कुल मिला के बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साइक्लोनाइट बना लो ना यार भाई, C4 से तो बहुत ही स्लो रेड होगी। तो गाइस मैं सोच रहा था कि साइक्लोनाइट भी बनाऊं, लेकिन वो बाद में देखेंगे, फिलहाल C4 से काम चला रहे हैं। तो बॉम्ब वॉम्ब में बना रहा था, तैयारी कर रहा था, उसके बाद में गाइस मैंने देखा कि जो बंदे बोल रहे थे हमारे बेस को रेड करने की, वो लोग यहाँ पे आके टावर बना लिए, और बहुत देर से हमारे टीममेट उनसे फाइट ले रहे थे। ठीक है, तो अंत में यहाँ पे मैंने अपना वीडियो ऑन किया क्योंकि मुझे इनका टावर उड़ाना था। तो मतलब मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, ये बंदे असल में कोशिश कर रहे हैं हमारे बेस को रेड करने की। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये तो आप लोग भी जानते ही है। तो चलो इस बेस को उड़ाते हैं, बेस नहीं है ये, टावर है यार गाइस, हमारे बेस को रेड करने के लिए बनाया गया टावर है यार। एक तो ये जो इस सर्वर में टैलेंट है ना, इससे देखो बंदा कैसा चलता है, मस्त वाला चलता है यार, स्पीड बढ़ जाती है। तो जो बंदे रेड करने आए थे उन्होंने बजूका चला दिए, अब इतना सख्त तो शॉट दिखेगा यार, क्योंकि मैं यहाँ पे पिट रहा हूँ, तो पिटने के शॉट वैसे मैं ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रो हूँ, और आप लोग भी मुझे प्रो ही मानो। ठीक है, प्रो जो भी है। ठीक है, अब भाई लेकिन देखो लफड़े हो गए बहुत बुरे वाले, वो ये कि मतलब मैं नहीं चाहता था कि यार इस तरह की बातें हो, मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार सोशल सर्वर में जाएंगे, 2-4 रेड करेंगे और चुपचाप निकल के आ जाएंगे, बैच वैच का कुछ भी वो नहीं है, बैच नहीं लेनी है। लेकिन भाई अब ये गेम थोड़ा और ही तरफ जा रहा है इस सर्वर में फिर से, और अब दिमाग में बात आ रही है कि इन बंदों का बेस भाई उड़ाना पड़ेगा, अगर इन्होंने मेरा बेस उड़ा दिया ना तो सच्ची बता रहा हूँ फिर उसके बाद इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यार अलग टाइप में नहीं जाए मतलब सर्वर,
क्योंकि फिर ज़्यादा ऑन मुझे ही रहना पड़ेगा, मैं ये भी जानता ही हूँ। चलो इस टावर को उड़ाते हैं, यहाँ पे कैबिनेट होगी मुझे सिंपल सी बात पता है, तो इसलिए मैं इसको तोड़ने की सोच रहा हूँ यार गाइस। इनका टावर उड़ा देंगे तो हट जाएगा सब कुछ, लेकिन C4 काफ़ी ज़्यादा लग जाएंगे यार, और इतने C4 बनते नहीं हैं। मतलब हमारे टीममेट यार काफ़ी कम फार्मिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर ये लोग फाइट ले रहे हैं सामने वाले बंदों से, एनिमी से, लेकिन फार्मिंग पे कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखो एक बात पता चल जाएगी कि एक टावर को मैं रेड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और एक वाल तोड़नी है टाइटेनियम की, इसको तोड़ने में देखना कितने C4 लग जाएंगे। ये देखो ज़्यादा थे ना मेरे पास में C4, और कितने लगा दिए मैंने, लेकिन टाइटेनियम की वाल है जो टूटने को तैयार ही नहीं है। चलो अब जाके टूट गई, और मैं कैबिनेट पे बॉम्ब लगा देता हूँ, उसके बाद में भाई ये टावर गिर जाएगा। एक कैबिनेट मैंने क्राफ्ट कर ली है, यहाँ पे लगा देते हैं और इसको तोड़ देते हैं। चलो तो उन बंदों का जो जमाया हुआ सेटअप था वो तो मैंने हटा दिया है फ़िलहाल के लिए, लेकिन वो लोग बाद में भी आएंगे और रेड करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि वो लोग ऑफलाइन रेड कर दे, क्योंकि सुबह के टाइम मैं तो ऑफलाइन रहता हूँ गाइस, कर भी सकते हैं वो ऑफलाइन रेड यार, कुछ पता नहीं है। देखो अब जो सामने हमारे टीम है ना, मतलब टीम नहीं उसको लीजन ही बोलो यार, क्योंकि वो लोग कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी थोड़े से कम रह जाते हैं, मतलब कभी 3 कभी 4 कभी 5 भी हो जाते हैं, तो इसलिए उनको लीजन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो लोग तो हमारे बेस पे रेड की ट्राई किए, बट बॉम्ब उन्होंने नहीं लगाए, वो सिर्फ फाइट ही कर रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो उनके बेस पे जाके उनका बेस रेड करना एक तरह से गलत हो जाएगा, पहले उनको ही वो करने दो हमारे बेस को रेड, उसके बाद में दुश्मनी रियल में चलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इतने टाइम हम लोग कोई और बेस रेड कर लेते हैं थोड़ा सा मनोरंजन के लिए। तो भाई हमें एक बेस मिला है मैप में, हमारे टीममेट भी बोल रहे थे कि भाई एक दो बेस रेड तो करो, तो इसलिए मैं आ गया हूँ रेड करने के लिए। मस्त बेस है एकदम, ये देख लो आप लोग, और इसकी फ़ोटो वोटू लेना तो बनता ही है, ठीक है। वैसे आप लोग बोलोगे तो आपकी भी फ़ोटो ले लूँगा मैं, टेंशन वाली बात नहीं है, फ्री है यहाँ पे फ़ोटो, और मैं 1 रुपये में मतलब निकाल के भी दे सकता हूँ आपको मोबाइल में से, वो बात एक अलग है। चलो खैर यहाँ पे अभी देखो बेस कुछ परसेंट टूटा हुआ है, अरे भाई इसको तो किसी ने रेड तो किया था लेकिन अधूरा रेड किया, अधूरा काम किया किसी ने, तो अब हम इस काम को पूरा कर देते हैं। तुम लोग ऊपर रहोगे या नीचे रहोगे, अगर ऊपर रहना है तो ऊपर ही रहना, अब नीचे मत कूद जाना, क्योंकि नीचे की साइड में अब बुमबाम होने वाली है यार। वैसे मैं देख रहा हूँ कि टाइटेनियम के डोर वाल ये सब कुछ तोड़ने में ना C4 तो भाई यूं जा रहे हैं जैसे कि क्या बताऊँ मैं यार, ठुसकी बॉम्ब बन के रहते हैं ये तो। चलो मैं और थोड़े से C4 लगा देता हूँ गाइस, ओके लगा दिया मैंने अंदाजे लायक, शायद टूट जाएगी, गिनती करके नहीं लगा रहा अभी मैं यार, सोशल सर्वर है इसलिए क्या गिनती करूँ। यहाँ पे एक बंदा ऑफलाइन पड़ा हुआ है, इसके पास में आयरन बार है, 500 स्टील भी है और टाइटेनियम भी है, लेकिन गन पाउडर नहीं मिला, सल्फर अभी तक तो नहीं मिली यार। मेन बात क्या है कि सोशल में हमें 3 ही चीज़ चाहिए होती है, गन पाउडर, और इसी के साथ साथ या तो सल्फर मिल जाए या गन पाउडर या एक्सप्लोसिव, वो आ गया बॉम्ब का सामान, और या फिर मिल जाए हमें टाइटेनियम या स्टील, तो मतलब एक तरह से रेड का पैसा वसूल हो जाता है, पैसा तो नहीं लगता, हाँ बॉम्ब लगते हैं बस, तो वो वसूल हो जाता है। फिलहाल अभी कैबिनेट की लूट उठा लेते हैं और इस बेस को तोड़ते हैं, यहाँ पे कैबिनेट नहीं लगेगी, मना कर दी वो, अरे भैया हम नहीं लगेंगे यहाँ पर, ओके चलो यहाँ पे तो लग जाओ मैडम जी, शांति के साथ लगना, ओके चलो शांति तो जाने दो यार, तुम बार बार मैं शांति की याद मत दिलाया करो, क्या हुआ ये एक ही फाउंडेशन टूटा उसके बाद में ख़त्म काम। अच्छा मेरे टीममेट ने कैबिनेट कुछ ज़्यादा ही दूर लगा रखी है, उधर से उठा के लेकर आएंगे अब ये लोग, यार ये सही किया सिस्टम तुम लोगों ने, लेकिन क्या है कि ऐसे पता भी नहीं चलता यार कि कैबिनेट टूटी है नहीं। जैसे कि मान लो मैं रेड कर रहा हूँ अंदर बड़ा बेस, और पता नहीं चला ऊपर से कैबिनेट टूट के गिर गई, और ये लोग ऐसे सिस्टम कर रखे हैं, तो मैं कैबिनेट लगाऊंगा वो लगेगी नहीं, मुझे ऐसा लगेगा कि यार कैबिनेट अभी तक भी बेस में है, ऐसा हो जाता है कई बार। चलो तो आयरन बार तो मिल गया, स्टील भी मिल गई, स्पेयर भी मिल गए, स्पेयर भी काम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने में,
तो भाई देखो कुछ भी कहो लेकिन ये रेड है ना एकदम परफेक्ट थी, छोटा बेस था लेकिन इसमें सही लूट मिल गई, मैं तो ये कहूँगा। ज़्यादा बॉम्ब भी नहीं लगे, एक डोर तोड़ना पड़ा है और सीधी कैबिनेट सामने आ गई थी। तो अब चलो हम लोग और भी बेस देखते हैं। मेरे टीममेट बता रहे थे कि ये है ना मतलब जो फैक्ट्री है ना उसके पास में भी एक बेस देखा है इन्होंने, फ़ोटो भेजी थी मेरे पास में इन्होंने, तो वहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया है। अब मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ, ठीक है, उस बेस को रेड करने के लिए। यार देखो सर्वर में खेलने के लिए आए हैं तो दो चार बेस तो रेड करें। क्या हुआ, यहाँ पे बंदा आ गया। ओके ओके ओके, इसको तो इसका तो काम कर दिए यार हमारे टीममेट। वैसे ये भी टाइटेनियम आर्मर में था यार गाइस, देख लो हमारे जैसे, ये भी पूरा सेट लेकर चल रहा है। मुझे बंदा ठीक से मतलब पता नहीं चला कि कहाँ पे है, इतनी देर में इन्होंने किल कर दिया। ओके गाइस, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे ही कोई बेस रास्ते में मिला तो तब मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर जैसे रास्ते में बेस नहीं मिलता है तो फैक्ट्री पे पहुंच के आपको बेस दिखाने वाला हूं मैं। ओके, तो भाई देखो हम लोग रास्ते में ही थे, मतलब जा ही रहे थे फैक्ट्री की तरफ और बीच में एक और बेस मिल गया। तो हमारे टीममेट पहले ही इसके पास में चले गए कि यहाँ पे पीजी भाई एक बेस है, आ जाओ। मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ, लेकिन भाई इस बेस पे कैनन फैनन सब कुछ लगी हुई है और जॉम भी पता नहीं पप्पी लेने के लिए आ रहा है शायद मेरे टीममेट की, कौन सा टीममेट था वैसे नाम नहीं देखा मैंने। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे वाल तोड़ूँ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही सीधा डायरेक्ट तोड़ दूँ? अब देखो वाल में इसलिए तोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ में बंदे ने कैनन भी लगा रखी होगी कोने में ही। चलो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोड़ के देख लेते हैं, फिर बाद में सोचा जाएगा जो भी होगा। लेकिन ये भी इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, अभी तक टाइम लगेगा इसको टूटने में। देखो बंदा वहाँ पे ऊपर की साइड में है, ऑनलाइन है इस बेस का बंदा, तो ये रेड अगर कंप्लीट हुई तो ये ऑनलाइन रेड मानी जाएगी। वैसे एक बंदा है यहाँ पे ऑनलाइन, अभी मैं बजूका मार रहा हूँ अभी तक, और हमारे टीममेट शायद अभी तक कवर ही देने में लगे हुए हैं। हालांकि मैंने इन सबको थोड़ी सी बजूका की शेल तो दी है, चलो चलाता हूँ मैं तो। अभी मुझे कैनन फैनन ये सब कुछ तोड़नी है और फिर उसके बाद में रेड स्टार्ट होगी गाइस। देखो बंदा ऊपर से भाग रहा है, वो रहा मुझ पर फायर कर रहा है वो। चलो मैं इधर की साइड में आ जाता हूँ। यार ऊपर की साइड में वैसे मैंने बजूका तो चलाई थी, ये क्या हो गया, इंटरनेट चला गया शायद मेरा। ये लो देखो बीच में ये सब कुछ भी होना था। तो भाई गेम तो मुझे सीधा लॉबी में पहुंचा दिया, हालांकि मेरे लेग वैग कुछ भी नहीं हुआ था, बट पता नहीं शायद इंटरनेट की ही कुछ दिक्कत थी इसीलिए लॉबी में चला गया मैं। यार तो इंटरनेट कुछ ज़्यादा ही वीक चल रहा है इस टाइम पर, तो अब एक काम करता हूँ यहाँ पे आ जाता हूँ साइड में। मुझे तो पता ही नहीं चला यार मैं नॉक हो गया, नहीं तो मैं बजूका मार के उसको किल कर सकता था आसानी से, क्योंकि वो बिल्कुल सामने आके खड़ा था उस टाइम पर, लेकिन बजूका ही रिलोड नहीं हुई। खैर चलो अभी एक बार रिवाइव मिल जाए फिर उसके बाद में देखेंगे। यहाँ पे फाउंडेशन लगा दी हमारे टीममेट ने थोड़ा सा कवर पाने के लिए। तो अब मैंने अपने टीममेट को भी और बजूका की शेल दी है ताकि वो चलाए, वैसे दी एक ही टीममेट को है। अब देखते हैं ये कितनी बजूका की शेल चला के और ये कैनन वैनन तोड़ते हैं। वैसे अभी तक तो मुझे मेरा टीममेट कोई चलाता हुआ दिख रहा नहीं है यार बजूका की शेल। मेरे साथ में तीन चार टीममेट है, अब इनमें से किसने उठाई है? 25 शेल दी है मैंने इनको। ये फिर से रिलोड में चली गई क्या? ओके नेट तो आ रहा है यार, चलो ठीक है, लेकिन अभी तक टूटने में टाइम लगेगा कैनन को यार। ओके थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि वो मुझे ही एम बना ली थी कैनन। वो देखो बंदा, देखो ऊपर की साइड में बंदा भी आ रहा है सामने, मैं अब उससे बच के रह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नेट दोबारा चला जाए तो क्या हो। ओके तो वो नॉक भी हो गया, मेरे टीममेट भी संभाल रखे हैं अपनी पोजीशन यार, अच्छी बात है। वैसे गाइस मैं बता दूँ ये बेस तो छोटा ही है और इससे पहले जो बेस रेड किया था हमने वो भी छोटा ही था, ठीक है, लेकिन जो टीम हमारे सामने है जो हमारा बेस रेड करने की बोल रहे हैं असल में उनका बेस थोड़ा सा बड़ा है। ओके ये लो करंट लग गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, तो यहाँ पे यार नीचे की साइड से तो बॉम्ब नहीं लग पाएंगे इसकी वाल पर। मैं सोच रहा हूँ कि वाल पे अगर बॉम्ब लग जाए, लग रहे क्या? नहीं लग रहे यार, तो कैनन भी टूट जाएगी डैमेज खा के, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, पहले इसको तोड़ते हैं फिर शायद बॉम्ब लग जाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा कवर में आ जाता हूँ गाइस,
यहीं से मौका मुआयना सब कुछ करेंगे दूर आके। वो देखो बंदा भी ऊपर से फाइट ले रहा है यार। ओके तो करंट फिर से मिल चुका है, इधर की साइड में कैनन चल रही है मेरे ऊपर। ओके गाइस तो अब देखो जाके बॉम लग रहे हैं, मतलब थोड़ा सा यार ग्लिच हो रहा था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वाल टूट चुकी है, बस अब मुझे ऊपर जाना है लेकिन कैनन से बचते हुए। ओके यहाँ पे करंट लग गया फिर से एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। हमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोड़ने चाहिए थे यार गाइस, लेकिन हमने एक ही तोड़ के काम चला लिया। लेकिन अभी कोई बात नहीं, मैं दूसरा भी तोड़ दूंगा। देखो इनको भी करंट लग रहा है, मतलब एक बार वो चार्ज होता है दूसरी बार ये चार्ज हो जाता है, तो ऐसे मतलब करंट लग रहा है हमें। तो बस एक बार हेल्थ बढ़ जाए। ओके तो हेल्थ बढ़ चुकी है मेरी, और एक और बार बढ़ानी पड़ेगी यार, फुल हो जाए एक बार। चलो तो अब करंट दे या कुछ भी दे यार, इसने दिमाग ख़राब कर रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने। इसको तोड़ने दो, एक टूट जाएगा ना सही रहेगा। अरे कैसे चल रहा है भाई, पूरा कंट्रोल खींच रखा है फिर भी ऐसे चल रहा है नूबड़े की तरह। अरे यार ये कुत्ते को भी अभी भौंकना था यार बाहर रोड पे। गाइस आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, खैर चलो इग्नोर करना यार। तो इतना टूट चुका है बेस, पता नहीं वैसे उसने क्या देख लिया जो वो दिन में भी भौंक रहा है। ओके तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोड़ते हैं जल्दी से, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं आ गई है यार बाहर रोड पे। गाइस उसको देख के जरूर भौंक सकता है, ये जरूर हो सकता है। चलो बाद में मिलेंगे, अभी फ़िलहाल इसको तोड़ते हैं। एक मिनट ये टूट नहीं रहा यार, कितनी बजूगा कि शेल खाएगा। मैं शेल बचाने के लिए ही बस मतलब इसको तोड़ रहा नहीं था यार गाइस, यही बात थी। अब तोड़ना पड़ रहा है इसको। बंदा देखो ऊपर वाल लगा रहा है, लगा ले भाई, लेकिन ऊपर लगा रहा है, नीचे की साइड में तो खुला पड़ा है बेस, रेड तो नीचे से चलेगी। वैसे मुझे एक बात लग रही है कि इसकी कैबिनेट ऊपर भी हो सकती है, लेकिन मैं ऊपर से गिरा दूंगा कैबिनेट को, टेंशन वाली बात नहीं है। अब जाते हैं यहाँ पे। ओके चलो भाई, तो ऊपर आने में मतलब कामयाबी मिल चुकी है। आ जाओ भाई, आना है तो, नहीं तो फिर उसके बाद में मैं बॉम्ब लगा रहा हूँ। तो गाइस क्या लगता है, इतने बॉम्ब में ये बेस तो रेड हो ही जाएगा ना यार। हाँ अभी तो यार मतलब 300 बॉम्ब है C4, कम तो नहीं माने जाएंगे ये। अभी तक नहीं टूटी है वाल, लेकिन एक साथ दो तोड़ने के फिराक में हूँ मैं। फिराक मतलब समझ गए होंगे ना, मतलब इरादा, मैं कुछ भी भाषा बोल लेता हूँ। अरे तेरी यहाँ तो लूट है पूरी, और उसने अपग्रेड भी कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अपग्रेड तो करना ही चाहिए था उसको, क्योंकि अभी स्टिल नहीं लगाएगा तो कब लगाएगा, शादी होने के बाद लगाएगा क्या स्टिल। अरे भैया उसने बजूका मार दी। नहीं यार ये तो हमारे राज भाई के नहीं, कैम भाई के काम है। ओके चलो एक बार रिवाइव मिल जाए। अरे भाई मत चला, मेरी HP जाती जा रही है। ये लोग बिना सोचे समझे बंदे पे चला रहे हैं, उससे मेरी HP जा रही है। चलो फुल हो गई मेरी HP, और अपना देखो टैलेंट भी काम कर रहा है। टैलेंट मतलब जो सर्वर में मिला हुआ है। एक मिनट रुक जाओ यार, इसको तोड़ने दो। ठीक है मैं आ गया साइड में, क्योंकि HP कम रह गई थी। वो टूटेगी या नहीं टूटेगी अभी बाद में देखा जाएगा। वैसे कैबिनेट भी मुझे दिखाई दे रही है गाइस, वो देखो बंदा वहीं पे खड़ा है। चलो एक काम करते हैं, कैबिनेट को तोड़ेंगे तो भी तो कैनन बंद हो जाएगी, ये भी एक बात है। यार कुछ भी कहो गाइस, दिमाग तो है मेरे अंदर लेकिन थोड़ा सा लेट काम करता है, यह है बात। मैंने पहले क्यों नहीं सोची ये बात कि भाई कैबिनेट टूटने के बाद में तो वैसे ही कैनन बंद हो जाती है। चलो तो भैया अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वैसे मैं गलत जगह पे आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट जैसे ही कैबिनेट लगाएंगे वैसे ही अंदर की जो मतलब कैनन फैनन जो भी है वो चलेगी मेरे ऊपर। TC लगाओ, मैंने लिख दिया है गाइस, और बेस को तोड़ना है। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे थे। ओके TC तो लगा दिए, अब बोलेंगे आप लोग बोलोगे जी भाई आज शायद सस्ते नशे कर लिए आपने। हाँ यार ऐसा ही लग रहा है गाइस, नींद में हूँ मैं शायद, यार ऐसा हो सकता है। तुम ही लोग बोलते हो गाइस कि सोशल सर्वर खेलो, ऑन रहो, पहले की तरह खेलो, तो देख लो अब नशे में रहना पड़ता है फिर, वो भी सस्ते वाले। ओके तो पेटियाँ गिर चुकी है, जल्दी से लूट उठा लो, फ्री में मिल रही है। वैसे बॉम्ब लगाए हमारा बहुत सारा,
चलो यहाँ पे कैनन वैनन भी मिली है, उठा लेते हैं ये। अरे भैया सल्फर पाउडर, ये तो फायदा हो गया यार। मतलब सोलो बंदे ने थोड़ा बहुत तो हमें दिया कुछ, ठीक है सामान दिया है कुछ बढ़िया सा, तो सब कुछ उठा लो भैया। और यहाँ पे अगर और सल्फर पाउडर मिल जाता तो थोड़े बॉम्ब और बन जाते हैं, मतलब जितने इस बेस पे लगे हैं उतने तो बन ही जाते हैं। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ गाइस कि C4 से है ना रेड बहुत ही मतलब स्लो होती है। ऑनलाइन रेड अगर जैसे कि हम लोग करते हैं तो C4 से नहीं हो पाएगी, दिक्कत आएगी। हाँ अगर दो बंदे एक साथ रेड करें तो ज़रूर हो जाएगी फिर, क्योंकि ऑनलाइन रेड में यार जल्दी से जल्दी तोड़ना पड़ता है। अभी ये रेड भी ऑनलाइन थी लेकिन इसमें वो बंदा मुझे पता है वो नया बंदा था, एक तरह से सोलो बंदा था। अगर बढ़िया पुराने छठे हुए बदमाश आ जाएंगे सामने और फिर उसके बाद उनके बेस को रेड करेंगे और वो तीन चार रहेंगे तो वो C4 से तो रेड करने ही नहीं देंगे अगर एक बंदा बॉम्ब लगाएगा तो। चलो तो यहाँ पे कुछ AR गन भी पड़ी हुई है, सब कुछ उठा लेते हैं गाइस, फिर बाद में जो चीज़ फालतू की लगेगी उसको फेंक देंगे। तो दोस्तों देखो वो रेड करने के बाद में तो हम लोग ऑफलाइन हो गए थे। फिर उसके बाद रात को मैं लगभग 12 बजे आया और इस टाइम पे रात के बजे हुए हैं लगभग 2, ठीक है। तो रात को 2 बजे मैं मतलब बैठा बैठा बॉम्ब बना रहा था। बॉम्ब जब ठीक ठाक बन गए थोड़े से तो फिर हार्बर पे भी एक बेस था तो इसको भी रेड करना था। हमारे टीममेट ने बताया था कि भाई हार्बर पे एक बेस है उसको भी रेड कर देना, तो मैंने सोचा कि अभी रेड कर देते हैं। तो पहले ये टावर गिराते हैं। ओके कैबिनेट दिख गई, ये हो क्या रहा है भाई, बॉम्ब भी रुक रुक के चलते हैं क्या। चलो तो अब कैबिनेट टूट जाएगी, पहले इस टावर को गिराते हैं, इस टावर में ज़रूर कुछ लूट मिल जाएगी। फिर सामने जो बेस दिखाई दे रहा है ना वो तो पूरा टाइटेनियम का है तो उसको तो भाई रेड करने में अच्छे खासे C4 लगने वाले हैं। चलो ये ऐसे ही गिरा दो ना यार, पूरा का पूरा ही गिरा देते हैं। क्या है लूट, ओके स्टोन और यहाँ पे कुछ ये मिली है देखो। चलो कुछ खास लूट नहीं मिली टावर में लेकिन अब बेस पे रेड करेंगे तो पहले इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोड़ते हैं गाइस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोड़ने के बाद में कैनन वैनन तोड़ेंगे, बस नीचे नीचे की तोड़नी है, ऊपर के जो लगे हुए हैं ना फ्लोटिंग उनको नहीं तोड़ना है क्योंकि एक बार वहाँ तक वाल तक चला गया मैं फिर तो बॉम्ब लगा के अंदर घुस जाएंगे, यह है बात। तो अभी मैंने अपने दोनों टीममेट को शेल दिए रॉकेट शेल और वो लोग भी लगातार कैनन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तोड़ने में लगे हुए हैं मेरी तरह, क्योंकि उनको भी पता है कि इधर का एरिया पूरा क्लियर करना पड़ेगा। तो गाइस ये जो विंडो है ना ये टूट जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी टूट ही जाएगा। चलो कोशिश जारी है। ओके तो गाइस अभी देखो इनके पास में जो रॉकेट शेल मैंने इनको दी थी ना वो कम पड़ गई तो मैं और इनको रॉकेट शेल दे देता हूँ। हालांकि ज़्यादा तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ गाइस कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, जैसे अभी दोबारा लेने आ गए यही है बात, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे पता है क्योंकि एक ही साइड से हमें क्लियर करना है बेस को। फिर मैं भी तो लगातार बजूका चला रहा हूँ ना यार। ये विंडो अभी तक नहीं टूटी गाइस लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टूट गया, मतलब बाहर से भी डैमेज पड़ जाता है ये बात है। अब इस बेस का भी बंदा ऑनलाइन है इस टाइम पे, एक ही बंदा ऑन है इस बेस में और वो भी मतलब इस टाइम पे भी ऑन है। तो गाइस क्या बोलते हो, रास्ता तो क्लियर है लेकिन हाँ ये है कि दूर जाते हैं ना तब ऊपर की कैनन हम पे चलती है, तो एक काम करते हैं पहले उधर वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी तोड़ देते हैं, ठीक है। ये एक तो टूट गया, ये वाला भी तोड़ते हैं। देखो ऊपर के फ्लोटिंग चल रहे हैं हमारे ऊपर, चलो लगातार अब उसी पे बजूका चलाएंगे। ये ऐसा क्यों लगता है जैसे ऊपर से कोई बेस पे से जंप किया है बंदा, बार बार में मेरा ध्यान उधर की साइड में जा रहा है यार। देखो थोड़ा डर तो लग ही रहा है क्योंकि वो बंदा ऑन है, अगर वो मतलब नीचे कूद के और बजूका चला देगा या ऊपर से बजूका चला देगा तो नॉक तो हो ही जाएंगे ना हम लोग। हालांकि हम तीनों की लोकेशन अलग अलग है, एक बहुत आगे है हमारा बंदा, मैं बहुत पीछे हूँ और एक बंदा साइड में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टूट गया है गाइस, यहाँ पे देखो एमओ ही एमओ पड़ी हुई है अच्छी खासी। चलो ये तो बाद में उठा लेंगे, फिलहाल अभी बेस को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं बॉम्ब ना कम पड़ जाए यार, क्योंकि पूरा बेस ये टाइटेनियम का है। हालांकि है तो छोटा ही बेस
लेकिन फिर भी टाइटेनियम का है। और मैं दूर से बॉम्ब गाइस इसीलिए लगा रहा हूँ इस टाइम पे क्योंकि गेम में ग्लिच चल रहा है, ठीक है। आप लोग लगातार बॉम्ब लगाते रहते हैं और बॉम्ब चलते भी रहते हैं ना, तो उस टाइम पे आप लोग किल हो जाओगे, ऐसा कुछ ग्लिच चल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी ऐसा होने लग गया कुछ टाइम से। चलो तो यहाँ पे मैं और बॉम्ब लगा देता हूँ, आधी तो हेल्थ हो चुकी है। मैं एक साथ 4 वाल तोड़ने की ट्राई में हूँ, ठीक है। बाकी देख लेंगे कितनी वाल एक साथ टूट जाती है। भाई मैंने भर भर के बॉम्ब लगाए हैं और कितनी हेल्थ रही, ओके तो कम ही है, लेकिन ऊपर वाली वाल की हेल्थ ज़्यादा रह गई गाइस। ऊपर वाली वाल नहीं टूटेगी, हाँ नीचे से रास्ता। अरे तेरी टूट गई यार गाइस, क्या बात है, सोचा नहीं था कि ऊपर की वाल टूट जाएगी लेकिन टूट गई। इसको तोड़े क्या? नहीं यार वो मतलब नहीं टूटेगा इतनी जल्दी, उसकी HP ज़्यादा है यार, ये है बात। चलो कोई बात नहीं, इसको तोड़ने दो पहले। ये मेरे पैरों के बीच में आया तो मेरी हेल्थ गई है अभी अभी। देखो सोशल में भी कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो ये भी लगाता है स्पाइक्स, क्या कर लेगा स्पाइक्स, वो भी सोशल में। तो गाइस देखो अभी हमें ये जो रूफ लगी हुई है ना ये तोड़नी है, तो इसलिए मैं सीलिंग पे बॉम्ब लगा रहा हूँ ताकि उसके डैमेज से ये रूफ टूट जाए। अरे भैया ये देखो, मैं बता रहा था ना ग्लीच होता है, तो इतनी दूर खड़ा हूँ फिर भी ग्लीच हो गया। ये यूट्यूब है जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, मतलब इसी का बेस रेड कर रहे हैं अभी हम लोग, यूट्यूब नाम है इसका। अरे भाई रिवाइव में भी आजकल ग्लिच चल रहा है देख लो, वो बार बार में देने की ट्राई कर रहा है लेकिन मुझे पता है उसके साथ क्या हो रहा है। वो क्लिक करता है रिवाइव मिलना शुरू होता है और वापस वो बीच में ही लाइन टूट जाती है। चलो अभी मिल गया रिवाइव और मैं अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, बढ़ गई अब पूरी हो जाएगी। ये देखो टैलेंट काम कर रहा है यार, सस्ता वाला। वैसे ये मतलब SK का ही बनाया हुआ टैलेंट था जो कि मेरे सर्वर में था, फिर हमारे दोस्त को हमने दे दिया तो उसने भी अपने सर्वर में डाल दिया इसको। वैसे गाइस ये सारे टैलेंट है तो अच्छे, बस ये है कि इसमें एक मिस्टेक है कि स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ये फ़र्क पड़ता है। रूप पे बॉम्ब लगा दिए इस बार मैंने, अब टूट जाएगी और फिर अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, लेकिन बॉम्ब काफ़ी कम रह गए हैं गाइस। ये देख लो 200 के लगभग रह गए हैं। ओके तो देखो एक वाल टूटी फिर रूफ आई है, अब रूफ टूट गई, अब एक और वाल सामने दिखाई दे रही है मुझे, तो यहीं से तोड़ते हैं। अगर डोर टू डोर रेड करेंगे तो शायद ज़्यादा बॉम्ब लगेंगे, तो वाल से क्या है कि हम लोग सीधा लूट रूम के अंदर चले जाएंगे, यहीं पर लूट रूम है इसका। ओके तो थोड़ी बहुत तो गई होगी ना हेल्थ, और लगा देता हूँ, अभी चेक करने की ज़रूरत नहीं है यार। इधर की साइड में देखो फर्नस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक वाल तोड़ने में देखो यार कितने बॉम्ब लगेंगे, लगभग 100 जाएंगे, 100 तो जाएंगे यार, ऐसा मुझे अंदाज़ा लग रहा है। अभी तक देखो कितनी हेल्थ है वाल की, तो चलो अब इस वाल के टूटने का ही इंतज़ार है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाल के अंदर भी रूफ आएगी। वैसे मेरा टीममेट गया काम से, वो ज़्यादा ही पास में चला गया, मतलब यार वो बात हो रही है ना ग्लीच हो रहा है, तो ये जरा सा पास में जा रहे हैं ना उसी में फिनिश हो जाते हैं। भैया बजू का कौन चलाया? और तेरी वो यूट्यूबर आ गया शायद नीचे उतर के, वैसे वो यूट्यूबर नहीं है यार, मतलब उसका नाम है यूट्यूब, यह है बात। अरे भैया ये देखो बंदे को देखो यार, ये है भाई एनिमी, यहीं से बजूका चला के यहीं पे लेट गया, शायद मुझे लग रहा है किसी से चैट कर रहा था ये। ओके तो मैं जाके बॉम्ब लगाता हूँ यार गाइस। वैसे तो C4 से यार काफ़ी स्लो स्पीड से रेड हो रही है, अगर साइक्लोनाइट होता ना तो अब तक तो ये बेस गिर चुका होता पूरा। अब देखो क्या स्पीड से बॉम्ब लगा रहा हूँ मैं, 100 से कम रह गए हैं बॉम्ब अब, और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ तो वाल आधी आधी हेल्थ है अभी तक। इसके अंदर क्या है? ओके लार्ज स्ट्रेच तो दिखाई देगा ही, अब अंदर रूफ लगी हुई नहीं है, यहीं पे लगाते हैं गाइस।
चलो पीछे आ जाता हूँ यार, क्योंकि ग्लिच की वजह से मैं मतलब जिंदा नहीं रह पाऊँगा। अब तो एक बार और लगाने पड़ेंगे यार। C4 का बहुत ही सिस्टम बेकार रहा यार, इससे बढ़िया तो साइक्लोनाइट बना लूँ यार। बहुत ही देर लग रही है एक ही रेड करने में, मतलब एक रेड क्या एक वाल तोड़ने में। तो भैया देखो अभी सामने आ चुके हैं 3 डोर और इधर की साइड में लार्ज स्टोरेज मुझे दिखाई दिया है ग्लिच करने पर। तो अब इन तीनों डोर को एक साथ तोड़ते हैं ताकि अंदर जाने का रास्ता मिले। लेकिन रास्ता मिलने के बाद भी क्या कर लेंगे, कैबिनेट अगर मिल गई इन तीनों डोर में से एक में तो सही है बात, नहीं तो भाई फिर ये रेड अधूरी ही रहेगी। क्योंकि अब बेस में भी बॉम्ब नहीं है ना ही गन पाउडर है अभी यार। फार्मिंग बहुत कम हो रही है गाइस, ये है बात। ये एमो तो उठा लेता हूँ मैं। तो ये देखो डोर की थोड़ी थोड़ी एचपी रह गई है, और जहाँ तक रही बात बॉम्ब की तो बॉम्ब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो ये डोर टूट गए, इधर की साइड में हमें लार्ज स्टोरेज मिला है। अब बस दो एक वाल और तोड़नी थी और हमें कैबिनेट मिल जाती। लेकिन देख लो सिस्टम बिगड़ गया है यार, इस बेस में अच्छी खासी टाइटेनियम और स्टील मिलती हमें। अब एक काम करते हैं, ये जो लूट है ना गाइस इसको उठा के और चले जाते हैं, फिर इस बेस को बाद में देखेंगे। वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये बेस जिसका है ना वो लूट ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह बेस बना देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब गाइस यहाँ पे देखो बॉम्ब तो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन हमारे सामने एक बात थी कि फर्नस हमें दिखाई दे रहे थे पूरे के पूरे, ठीक है। तो काफ़ी देर तक हम लोगों ने ऊपर जाने की कोशिश की, अंत में हमारा एक बंदा मतलब तीन है ना हम, तो एक बंदा हमारा ऊपर जाने में कामयाब हो गया। और उसने फर्नस में जब देखा तो उसने मुझे बताया कि भाई इतनी लूट मिली है, ये सनी जाने में कामयाब हुआ था जिसका चाइनीज नाम है, इसका नाम मतलब रियल में सनी है, तो ये मेरा टीममेट है। इसने बताया कि लगभग आधे से ज़्यादा लार्ज स्टोरेज भर के सल्फर पाउडर मिला है और चारकोल अलग से फर्नस में से। तो इतनी सल्फर पाउडर का फ़ायदा हो गया है गाइस इस बेस से, ओके। तो मतलब अब अच्छे खासे बॉम्ब बन जाएंगे, अब देख लेंगे साइक्लोनाइट बनाए या C4 बनाए। वैसे कल बॉम्ब बना के अगर ये बेस रहा तो इसको रेड करने ज़रूर आएंगे, और अगर ये बेस ना रहा तो कोई बात नहीं। तो बस यार गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार कर लो यार, आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाता ही रहता है। बाकी अगर आप लोगों को फेसबुक पेज फॉलो करना है तो जाइए फेसबुक पेज पर, वहाँ पर सर्च कीजिए मैक्समोर गेमिंग, वहाँ पे आपको हमारा पेज मिल जाएगा, तो उसे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी हमारे वीडियो आते हैं तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ओके। तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय।